एक्सक्यूज मी, हमें थाना इंचार्ज हसीना मलिक से मिलना है। कहाँ है वो? जी बिल्कुल मिलेंगी वो आपसे, पर आप कौन है? सीआईडी। यस एसएचओ हसीना मलिक। जी हम ही हैं। सीआईडी फेक हसीना के मामले में? जी हाँ। जी देखिए, हम खुद भी उसी केस पर काम कर रहे हैं, जैसे हमारे पास कुछ भी कॉन्क्रीट। ये आपके पॉलीग्राफ टेस्ट ऑर्डर से मैडम। आपको हमारे साथ चलना होगा। प्लीज कोऑपरेट विद अस, वरना मजबूरन आपको अरेस्ट करके हमें साथ ले जाना होगा। देखिए पुष्पा जी, चलिए। हसीना मलिक। तो जैसा कि आप सबने देखा, नकली हसीना मलिक का मामला तूल पड़ता जा रहा है। लोगों के मन में आक्रोश है, गुस्सा। लोग सच जानना चाहते हैं और आपको सच पहुंचाने का जिम्मा लिया है आपके इस खादिम ने। सच्ची खबरों का सिर्फ एक ही अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा। लूट का माल बरामद हो चुका है, पर लूटने वाली फेक हसीना अभी भी गायब। सवाल ये उठता है कि क्या वो वाकई में गायब है या फिर असली हसीना मलिक ने जानबूझ के उसको गायब किया है। और ये देखिए, यार हमारे शहर के जाने माने बिल्डर पीके चोपड़ा साहब। तो चोपड़ा साहब, आपका तो डायरेक्ट वास्ता हुआ था उस फेक हसीना से और उसकी ठगी से, आपका क्या मानना है? बेवकूफ बनाने के चोंचले हैं सारे। जब लगा कि नाम खराब हो रहा है तो पैसे लौटाने बुला लिया। सब मिले हुए हैं, ये सारा खेल मिली भगत से चल रहा है। थैंक यू सर। जैसा कि आपने सुना, चोपड़ा साहब का भी यही कहना है जो पूरा शहर कह रहा है। यहाँ की पुलिस फेक हसीना के साथ मिली हुई है और इसीलिए सीआईडी हसीना का पॉलीग्राफिक टेस्ट करा रही है। ये टेस्ट सच का पता लगाता है। मिस मलिक, आप खुद एक पुलिस अफसर हैं, तो पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में आप अच्छे से जानती होंगी। तैयार हैं? जी शुरू करें। बिल्कुल। हे भोलेनाथ, हसीना मैडम ये टेस्ट पास कर जाए, इतनी दया कर दीजिए,
कोई फायदा नहीं है पुष्पा जी, भोलेनाथ भी सच्चे लोगों का साथ देते हैं। पहले सोचना था आपकी हसीना मैडम को। अब आपके कुछ भी करने से झूठ सच साबित नहीं हो जाएगा। भरोसा तोड़ने वाले का साथ ना भगवान भी नहीं देते, तो जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी भरनी। आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। तो मेरा पहला सवाल है आपसे, जो आपका नाम लेकर लोगों को लूट रहे हैं, उनसे आपका कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर्सनल कनेक्शन? नहीं। संतू जी, ये जो है इसको कर रही है संतू जी, आप क्या कर रही है? क्या क्या कर रही हूँ? आंख मार रही है आप हमको। आंख मार नहीं रही हूँ, आंख फड़क रही है मेरी। हाँ, दो मिनट के लिए तो हमारा दिल फड़कने लगा संतू जी। क्या? जी फड़कने लगा हमारा, जी ऐसे। हाँ, जी फड़कता नहीं है, जी घबराता है, जैसे अभी मेरा घबरा रहा है ये सोच के कि पॉलीग्राफ टेस्ट में अगर मैडम सर फेल हो गई तो। मुझे समझ नहीं आता मैडम सर का टेस्ट क्यों लेना, ऐसे ही पूछ लो ना जो पूछना है। मिस मलिक, क्या आप जानती हैं इस वक्त नकली हसीना मलिक कहां छुपी है? नहीं। मिस मलिक, सब इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह से ये नकली हसीना मलिक का कोई पर्सनल कनेक्शन? नहीं। हमें नहीं लगता किसी भी तरीके का शक स्वभाव रह गया होगा। अभी तक टेस्ट फेल भी हो गया होगा और सच भी सबके सामने आ गया होगा कि ये सब कुछ हसीना मैडम ने किया है। और अगर हसीना मैडम ये टेस्ट पास कर देती है और साबित हो जाता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है तो? ऐसा हो ही नहीं सकता पुष्पा जी, जवाब दीजिए। अगर साबित हो गया तो? तो क्या सुनना चाहती हैं आप पुष्पा जी, आप खुद ही हमें बता दीजिए। अगर मैडम सर ने ये टेस्ट पास कर लिया और साबित हो गया कि वो निर्दोष है तो आपको सबके सामने अपनी गलती माननी होगी और मैडम सर के सामने अपने कान पकड़कर 10 उठक बैठक लगानी होगी। बोलिए, मंजूर है? बोलिए। मंजूर है। मर्द की जुबान। हमारा मतलब है मर्द जैसी जुबान। बोल दिया तो बोल दिया पुष्पा जी, हम अपनी जबान के ना बहुत पक्के हैं। 10 बार क्या, 1000 बार भी उठक बैठक लगाएंगे अगर मैडम सर निर्दोष साबित होती हैं तो फिर तैयार हो जाइए। तैयार है। ब्रेकिंग न्यूज मैडम, वो सनी कुछ बोल रहा है टीवी पर। अभी अभी खबर मिली है कि हसीना मलिक का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है जिसे हसीना मलिक ने पास कर लिया है। हे भोलेनाथ, तो बहुरानी अपने कान कस के पकड़कर 100 उठक बैठक लगाने के लिए तैयार हो जाइए एकदम। उम्मीद जताई जा रही है कि इस पॉलीग्राफिक टेस्ट के बिना पर डिपार्टमेंट हसीना मलिक पे लगाए हुए सारे इल्जामों से उनको मुक्त कर देगा और जल्द ही हसीना मैडम फ्री हो जाएंगी। सर, हसीना मैडम ने पॉलीग्राफिक टेस्ट पास कर लिया है तो क्या इस बिना पर डिपार्टमेंट उनको क्लीन चिट देगा? देखिए, ये सही है कि हसीना मलिक ने सारे टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी है, बंद नहीं हुई है। जब तक कि फर्जी हसीना पकड़ी नहीं जाती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। सो सॉरी सर, लेकिन देखिए, हसीना मलिक को हम तब तक क्लीन चिट नहीं दे सकते जब तक फर्जी हसीना खुद आकर ये बयान न दे दे कि उसका इस हसीना मलिक से कोई लेना देना नहीं है। तो जैसा कि आप सबने सुना, ऑफिसर्स के हिसाब से हसीना मैडम तब तक सर्विलेंस पे रहेंगी जब तक नकली हसीना मलिक पकड़ी नहीं जाती। और कितनी परीक्षा देनी होगी मैडम सर को? कर लिया ना पॉलीग्राफ टेस्ट पास, अब क्या चाहिए इन्हें? पुलिस में है ना आप पुष्पा जी, इतना तो आप जानती होगी कि कोर्ट में पॉलीग्राफ टेस्ट एडमिसिबल नहीं होता।
सुना ना ये सीआईडी अधिकारी ने अभी क्या कहा कि जब तक वो फेक हसीना मलिक ये स्टेटमेंट नहीं देती है कि उसका हसीना मैडम से कोई लेना देना नहीं है तब तक हसीना मैडम को निर्दोष नहीं माना जा सकता। और हसीना मैडम का दोषी होना मतलब हम सब दोषी, ये संतु दोषी, ये चीता दोषी, आप दोषी, हम सब दोषी और ये सब हसीना मैडम की वजह से। अब चाहे धरती और आसमान एक करना पड़े, अपनी वर्दी से ये दाग हम हटा कर रहेंगे।